सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजून ऑनलाइन क्लासेज सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। और इससे पहले हमने पढ़े थे इन, ऑन, अंडर और इनटू का प्रयोग। आज इन सब का आपका क्लास टेस्ट हो रहा है, तो सारे जो स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं सारे बच्चे इधर ध्यान दें, उसके बाद में इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन, ऑन, अंडर, इनटू। टीचर इज टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहा है। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक कहाँ पढ़ा रहा है? कक्षा के अंदर। अध्यापक कहाँ पढ़ा रहा है बच्चों? क्लास के अंदर। तो हमें खाली जगह में क्या भरेंगे? इन। इन क्यों भरेंगे? क्योंकि टीचर जो हैं वो ऑलरेडी कक्षा के अंदर हैं पहले से, इसलिए हमने खाली जगह में क्या भरा? इन। जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से अंदर हो तब हमें इन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, माई बुक इज द टेबल। मेरी जो किताब है वो किताब टेबल के ऊपर रखी हुई। किताब कहाँ पे रखी हुई है बच्चों? टेबल के ऊपर। ऊपर शब्द आते हैं आपको क्या भरना है? ऑन। बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, काउ इज स्टैंडिंग। गाय खड़ी है, गाय खड़ी है। गाय कहाँ पे खड़ी है? पेड़ के नीचे। तो काउ इज स्टैंडिंग अंडर। नीचे शब्द आते हैं आपको क्या लगाना है? अंडर। नेक्स्ट, ही जंप्ड व कूदा इनटू रिवर। वो नदी के अंदर कूदा। पहले वो कहाँ था? नदी से बाहर। अब वो कहाँ है? नदी के अंदर। तो क्या लगाएंगे? इनटू। ही जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट, ही इज वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रहा है। कहाँ पे देख रहा है वह? बेडरूम के अंदर। तो इन, क्योंकि वो पहले से बेडरूम के अंदर बैठा हुआ है इसलिए टीवी देख रहा है, तो इन का प्रयोग। नेक्स्ट, डॉग फेल। कुत्ता कूदा। कहाँ से कूदा? वेल से। तो पहले वो डॉग कहाँ था? वेल पे था। अब वो वेल से कूदा, तो जगह परिवर्तन हुई। तो हमें किसका प्रयोग करना है? इनटू का। नेक्स्ट, कैट इज। बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी हुई। बिल्ली कहाँ पे बैठी हुई? टेबल के ऊपर। तो हमें खाली स्थान में क्या भरना है? ऑन। आई वेंट, मैं गया गुफा के अंदर। पहले मैं गुफा से बाहर था फिर मैं गुफा के अंदर गया, तो मैं जगह परिवर्तन हुई इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। लिखिए, ऑल द स्टूडेंट्स नोट एट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा? इनका, ऑन का, अंडर का और इनटू का। इन मीन्स पहले से ही अंदर,